सो हे एवरीवन, दिस इज सदाब लकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस में कैसे राउंड एज स्टोरी या फिर iOS इमोजीज और फ्रंट वगैरह यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड गाइस, और मैं ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम भी दूर करने वाला हूँ कि जो लोगों का भी iOS इमोजीज या फ्रंट वगैरह नहीं लगता है गाइस, ठीक है, उनका कैसे लगे या फिर कैसे ऑप्शंस वगैरह आए, क्योंकि अभी बहुत सारा ग्लिच आया हुआ है स्टैंडर्ड में जो कि किसी किसी का राउंड एज स्टोरी वाला ऑप्शंस यानी क्लिप्स वीडियो वगैरह का सर्च करने पे ऑप्शंस ही नहीं आता है गाइस, ठीक है। सो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप करके चैन एवरीथिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा गाइस, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, जो लोग भी अपने इस भाई के चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को ओपन करोगे गाइस, पहला बात आप लोग अपने माइंड में रखोगा, इसकी सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि आप लोग अपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को अपडेट कर लो गाइस। विदाउट अपडेट आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जैसा कि आपको पता है वर्जन 17.2 आ चुका है गाइस, तो उनको सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कर लेना है। और मैं कहां से अपडेट करें, मैं वीडियो बना चुका हूं गाइस, आप लोग चैनल में विजिट करके देख सकते हो और ईजी स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग अपडेट कर सकते हो। जो लोग अपडेट कर लिए हो और इनका फीचर्स वगैरह जो होता है गाइस, बाहर का फीचर्स वगैरह, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों की कैसे आप लोग राउंड एज स्टोरी को मतलब यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। और जिसका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है ना गाइस कि कैसे मतलब जिनका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। बस अभी बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपने मतलब iOS इमोजीज फ्रंट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, सबसे पहले आपको कि अपने थ्री लाइंस पे आना पड़ेगा, प्रोफाइल वाले सेक्शंस पे जाने के बाद फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाता है, तो इसको सबसे पहले इनेबल आपको कर देना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि ऐप को रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ से रीस्टार्ट कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ से बैक हो जाना, फिर से इनेबल करना पड़ेगा, मतलब ओपन करना होगा अपने एप्लीकेशंस को। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, अपना होम बटन पे प्रेस करके रखना होगा। तो सिंपली हम लोग प्रेस करके रखें तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे मैं बता रहा हूँ टैप करने, वहीं पे करना गाइस आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेटा कॉन्फिग, यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं मार्क भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख करके आप लोग वहीं पे सिंपली टैप करना। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ओके अगर मांगता है तो ओके कर देना, अगर नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं, ओके हम लोग सिंपली कर दिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सर्च वाला ऑप्शन है, सिंपली यहीं पे आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे CLIPS क्लिप्स वीडियो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हो आप लोग क्लिप्स वीडियो लिखोगे, आपके सामने जितना भी ऑप्शन आ रहा है सभी को इनेबल कर देना गाइस। देख सकते हो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन आ रहा है एक तरफ से गाइस सारा ऑप्शंस को इनेबल कर देना। इनेबल कर दिए, अब आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मेंशन रीशेयर, ठीक है। जैसे ही आप मेंशन रीशेयर लिखोगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा गाइस, इसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना गाइस, ठीक है। सिंपली इसको भी हम लोग इनेबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे इसको आप इनेबल करते हो गाइस, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने इसे इनेबल कर दिया, इनेबल कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक होने के बाद आप लोगों ने दोनों चीज़ कर दिया, वीडियो क्लिप्स वाला भी कर दिया, मेंशन रीशेयर वाला भी कर दिया गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ से सिंपली हम लोग कोई सा भी एक रील्स को ले लेते हैं, जैसे ये देख सकते हो गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रील्स लिया, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका राउंड एज के तरह यहाँ पे लग गया गाइस आपके सामने में, देख सकते हो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ से आप लोग राउंड एज वगैरह लगा सकते हो गाइस, ठीक है। और गाइस आप लोगों को एक बात बतानी थी, जिन लोगों को भी चाहिए गाइस कि रील्स जो हमारे स्टोरीज पे नहीं लगता है, जो जिस मतलब जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो बोलेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और वो प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा गाइस आपका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलोगे तो गाइस, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो राउंड एज हमारा लग गया, अब हम लोग इस पर टैप करते हैं गाइस, ठीक है। फ्रंट वगैरह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फ्रंट एंड इमोजीज, ठीक है, इमोजीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्रंट इमोजीज वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे यूज़ वगैरह कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर इस पर आप लोग टाइमर चाहते हो गाइस, टाइमर के लिए फिर आपको एक्सटर्नल ऐड करना पड़ेगा, तो अपना अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर सकते हो गाइस। मैं टाइमर जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जिसमें मतलब अगर आपका सारा ही वर्क कर रहा है तब तो अच्छी बात है, अगर जो आपका सारा अगर वर्क नहीं कर रहा है, जिसमें आपका वर्क कर रहा है तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो गाइस, क्योंकि हर किसी का सारा वर्क नहीं करता है आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी गाइस कि जिनका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, ठीक है, इमोजीज़ को लेकर के, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए गाइस स्टैंडर्ड में जो है ना वो ऐड करने का इमोजीज ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे
आप लोग देख सकते हो, आपको जितना इमोजीज यहाँ पे है ना गाइस उसी को आप लोग यूज़ कर पाओगे गाइस, ठीक है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया, एक्सटर्नल इमोजीज यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते आप गाइस स्टैंडर्ड में, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूँ। और यहाँ पे आप लोग इधर करो, यहाँ पे साइड आकर के यहाँ पे देख सकते हो, बात अगर हर्ट वगैरह का करें तो यहाँ पे आपको एक हर्ट मिल जाता है, ठीक है। मतलब जो भी आपको मिलेगा यहाँ से आप लोग ये इसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग जो इनको अपडेट कर सकते हो गाइस, ठीक है, अपने प्ले स्टोर पर जा करके गाइस गूगल को जो होता है जी कीबोर्ड को उसको अपडेट करोगे तो शायद आपका लेटेस्ट इमोजीज वगैरह आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ जा करके आप लोग पहले जी कीबोर्ड को अपडेट कर लेना गाइस, और उनके बाद यहाँ से जैसे मैं आप लोगों को बताया फ्रंट वगैरह यूज़ करने, तो यहाँ तो आपको फ्रंट मिल ही रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, फ्रंट वगैरह को आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। बाकी इमोजीज़ के प्रॉब्लम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और बाकी टाइमर के बारे में भी तो बता ही दिया गाइस कि टाइमर वगैरह जो आप लोग एक्सटर्नल ऐड करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और बहुत लोग बोलते हैं भाई ये वॉच जो फुल रील्स का ऑप्शन है गाइस इसको आप लोग नहीं हटा सकते हो, अगर इसको हटाओगे तो हटाना चाहते हो तो गाइस आपको दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा, जो फिर इस वीडियो में बताना मुश्किल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता के दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग लगा सकते हो इस, यानी ये वॉच रील जो है इसको हटा सकते हो गाइस, ठीक है, वो दूसरे तरीके से आप लोगों को बताना होगा गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रंट वगैरह अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो गाइस, ठीक है। अब हम लोग चलिए गाइस देखते हैं 60 सेकंड स्टोरी हम लोग कैसे लगा सकते हैं गाइस। यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है, आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीड एंड स्टोरी वाला ऑप्शन है, सिंपली वहीं पर आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 60 सेकंड का स्टोरी है, इसको आप लोग इनेबल कर दोगे। इनेबल करने के बाद गाइस आपको ऐप को रिस्टार्ट ऐसे करके हटा देना है यहाँ से। रिस्टार्ट करने के बाद गाइस फिर से आपको ऐप इनेबल करना है, फिर उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से आप लोग अपने मतलब रील्स वगैरह लगा सकते हो अपने अकाउंट में, एंड उसके बाद जो भी आप लोग फ्रंट वगैरह यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, एंड आपका 60 सेकंड का जो स्टोरी है वो भी आपका कंप्लीटली वर्क करेगा गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि जिसका भी ये मतलब डेवलपर मोड का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करोगे गाइस, ठीक है। उनके लिए आपको गाइस मैं बता देता हूँ, फिर से आना पड़ेगा आपको यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग में। आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर मोड है, यहाँ पे आने के बाद गाइस ये तो आपका डेवलपर मोड पहले से इनेबल रहेगा, फिर भी अगर आपका वहाँ पे डेवलपर मोड में जाने के बाद जो हम लोगों ने सर्च किया था क्लिप्स वीडियो अगर वो नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो गेट मोबाइल कॉन्फिग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जैसे सिंपली यहाँ पे आपको टैप कर देना, अपडेट आया, अपडेट करने के बाद इसको ऐप को हटा देना, हटा देने के बाद यहाँ से पूरा रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश करने के बाद फिर से आपको इनेबल करना, फिर से चले जाना तब आपको अपना डेवलपर वाले ऑप्शंस में। यहाँ पे आने के बाद गाइस तब फिर से आपको सर्च करना, और यहाँ पे आपको 100% वीडियो क्लिप्स वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा यार। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप लोग वहां पर आके डिस्कस वगैरह कर सकते हो गाइस, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।